चिल्ड्रन एज टोल्ड अर्लियर, हमारा पहला चैप्टर बच्चों जो अकाउंटेंसी में स्टार्ट होता है दैट इज़ बेसिक टर्म्स। बच्चों ये बेसिक वर्ड्स की अगर आपको अच्छी नॉलेज नहीं होगी तो आपको अकाउंटेंसी पढ़ते समय बड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो चिल्ड्रन हमारा पहला बेसिक टर्म स्टार्ट होता है कैपिटल या नेटवर्थ। यस बच्चों, आई कैन अंडरस्टैंड कैपिटल सुनते ही आपके दिमाग में न्यू दिल्ली, लखनऊ ऐसे वर्ड्स आए होंगे जो इंडिया या किसी स्टेट के गवर्निंग एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं। बट बच्चों वो ज्योग्राफी या सिविक्स में कैपिटल होता है, यहाँ पे कैपिटल का मतलब कुछ फ़र्क है। टेक एन एग्जांपल चिल्ड्रन दैट यू आर अ बिजनेसमैन और आप अपने पर्सनल कैश को या किसी भी चीज़ को बिजनेस में कॉन्ट्रीब्यूट करते हो और इस चीज़ को बच्चों हम लोग कैपिटल या नेटवर्थ बोलते हैं। चिल्ड्रन आई हैव टेकन अ वेरी फाइन एग्जाम्पल हेयर। मेरे एग्जाम्पल में ये बिजनेसमैन है जो 4 लाख रुपीज़ कैश कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, 80,000 रुपीज़ का कंप्यूटर ही अपने घर से ले आया, देयर आफ्टर पर्सनल कार इसकी 6 लाख रुपीज़ की है एंड फर्नीचर वर्थ 40,000 इज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड। तो चिल्ड्रन इफ वी एड अप ऑल दिस वी कम टू द वैल्यू दैट इज 11,20,000। नाउ चिल्ड्रन दिस इज 11,20,000 अमाउंट टोटल विच द ओनर हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड इन टू हिज बिजनेस। अब बच्चों ये पूरे 11,20,000 रुपीज़ के कॉन्ट्रीब्यूशन को आप जिस नाम से बिजनेस में पहचानोगे इट इज़ कॉल्ड एज कैपिटल। एज वेल एज बच्चों एक चीज़ आपको और ध्यान देनी है, हम बिजनेस में बिजनेसमैन को भी इसी कैपिटल वर्ड से ही आइडेंटिफाई करते हैं। लाइक आई गिव एन एग्जाम्पल इन द प्रीवियस वीडियो, फिर से मैं ऑफ द टॉपिक चल रहा हूँ बच्चों यहाँ पे जरा। मान लीजिए कि आप बैंक में अकाउंट ओपन करवाने जाते हो तो यू आर एन अकाउंट होल्डर। यू आर ट्रैवलिंग इन एन एयरप्लेन सो यू आर अ पैसेंजर। यू आर स्टडिंग इन अ क्लास सो यू आर अ स्टूडेंट। सिमिलरली बच्चों कैपिटल वर्ड दो रेफरेंसेज में हम यूज करते हैं, एक एज अ वर्ब रेफर्स टू द अमाउंट दैट इज बींग कॉन्ट्रीब्यूटेड एंड सेकेंडली फॉर द बिजनेसमैन। तो बच्चों आप बिजनेसमैन को भी कैपिटल वर्ड से रिप्रेजेंट करते हो और जो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको भी आप कैपिटल वर्ड से रिप्रेजेंट करते हो। बट चिल्ड्रन अगर आप कहीं पे डेफिनेशन इसकी देखोगे तो डेफिनेशन आपको यही नजर आएगी, एनीथिंग कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द ओनर इन टू हिज बिजनेस इज कॉल्ड एज कैपिटल। बच्चों परफेक्टली ऑल राइट, एकदम सही डेफिनेशन लिखी है, बट एक मैं आपको और सीक्रेट चीज बता रहा हूं, बिजनेसमैन को भी आप बिजनेस में कैपिटल बोल के ही एड्रेस करते हो। लाइक आपका नाम अगर मोहन है और आप बिजनेस कर रहे हो तो जो आपने रिसोर्सेस कॉन्ट्रीब्यूट की उस टोटल अमाउंट को तो कैपिटल बच्चों बोलेंगे ही बोलेंगे, बट मोहन को मोहन के नाम से ना जान के हम प्रोनाउंस करेंगे कैपिटल के नाम से। तो चिल्ड्रन कैपिटल वर्ड हैज टू मीनिंग्स, एज अ नाउन हम बिजनेसमैन को रिप्रेजेंट करते हैं एड्रेस करते हैं एंड एज अ वर्ब टोटल अमाउंट कॉन्ट्रीब्यूटेड को हम बच्चों रिप्रेजेंट करेंगे। तो चिल्ड्रन आई होप सो आपको कैपिटल वर्ड का मीनिंग समझ में आ गया होगा। अब चिल्ड्रन इसी का ऑपोजिट हम बात कर रहे हैं दैट इज ड्रॉइंग्स। बच्चों ये वो वाला ड्रॉइंग्स नहीं है जो आपने ड्रॉइंग की क्लास में सीखा था, ये कैपिटल का जस्ट ऑपोजिट है। चिल्ड्रन आई रिपीट, जब आपने बिजनेस में कुछ अपने पास से कॉन्ट्रीब्यूट किया तो वो कैपिटल था, और जब आपने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कोई भी चीज टेक आउट की तो बच्चों आपको एज वेल एज उस टोटल अमाउंट का बेनिफिट जो आपने लिया दोनों को बच्चों हम लोग ड्रॉइंग्स बोलेंगे। चिल्ड्रन आप एरो का डायरेक्शन देख सकते हो, पहले एरो का डायरेक्शन फ्रॉम द बिजनेसमैन टू द बिजनेस था, अब एरो का डायरेक्शन बच्चों चेंज हो गया है फ्रॉम द बिजनेस टू द बिजनेसमैन है। चिल्ड्रन आई हैव टेकन दिस एग्जाम्पल फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। 20,000 रुपीज बिजनेसमैन ने कैश टेकअप किया अपने बिजनेस से अपने यूज के लिए एंड 40,000 रुपीज का वो बच्चों कंप्यूटर अपने घर ले गया। तो चिल्ड्रन ही हैज टेकन आउट रिसोर्सेज वर्थ 60,000 इन टोटालिटी। 60,000 रुपीज के बेनिफिट्स इसने बच्चों अपने बिजनेस से लिए हैं। तो चिल्ड्रन आप इस 60,000 रुपीज को एज वेल एज ओनर को दोनों को ड्रॉइंग्स बोलोगे। तो बच्चों याद रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि सिर्फ ये 60,000 ड्रॉइंग्स है, ये तो ड्रॉइंग्स का अमाउंट है, ड्रॉइंग्स वर्ड इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द ओनर। तो बच्चों ये कॉइन के दो साइड्स हैं, जब बिजनेसमैन बिजनेस को अपने पास से कुछ देता है तो बच्चों हम इसे कैपिटल बोलते हैं,
और जब बिजनेसमैन बिजनेस से कुछ लेता है तो बच्चों हम इसे ड्रॉइंग्स बोलते हैं। चलो ना टेक एन एग्जांपल, आपने कौन बनेगा करोड़पति शो में 1 करोड़ रुपए जीत लिए और इस पूरे पैसे को बच्चों आपने अपने बिजनेस में लगा दिया। तो दिस 1 करोड़ रुपीज कैश इज द फॉर्म ऑफ कैपिटल एंड आपका नाम राम, मोहन, नैन्सी, रमेश कुछ भी हो सकता है, आपको भी बिजनेस में बच्चों कैपिटल के नाम से ही एड्रेस किया जाएगा। कल को बच्चों जब आप बिजनेस से अपने या अपने फैमिली के बेनिफिट के लिए कुछ मनी विड्रॉ करते हो, इन दैट केस दैट मनी एंड यू बोथ विल बी एड्रेस्ड एज ड्रॉइंग्स। चिल्ड्रन आई हैव टेकन सर्टेन एग्जांपल्स, पेड सन्स फी फ्रॉम बिजनेस मनी, बिजनेस के पैसे से अगर बिजनेसमैन ने अपने बच्चे की स्कूल फीस पे कर दी तो ये भी ड्रॉइंग्स है। गिव अ गिफ्ट टू रिलेटिव्स फ्रॉम बिजनेस, बच्चों मान लीजिए कि आपकी मोबाइल फोन का शोरूम है, शॉप है, और आपने वहां से 2 मोबाइल फोन्स अपने मौसी जी को या किसी रिलेटिव को गिफ्ट कर दिया, देन सच गिफ्ट्स गिवन टू देम एंड टेकन आउट फ्रॉम द बिजनेस विल मेक यू टू बी कॉल्ड बाय द वर्ड दैट इज ड्रॉइंग्स एज सच। देन चिल्ड्रन आई हैव द थर्ड एग्जाम्पल, टुक कैश फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, अगर पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए बच्चों आपने बिजनेस से कैश निकाला तो हम आपको ड्रॉइंग्स के नाम से रिप्रेजेंट करेंगे और वो जो मनी आपने निकाला है वो भी ड्रॉइंग्स का अमाउंट है। देन चिल्ड्रन इफ यू हैव पेड योर हाउस रेंट फ्रॉम योर बिजनेस मनी, चिल्ड्रन आई रिपीट, हाउस रेंट फ्रॉम योर बिजनेस मनी, देन ऑल्सो इट इज कॉल्ड एज ड्रॉइंग्स। तो चिल्ड्रन आई होप सो द वर्ड्स कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स आर क्वाइट क्लियर। चिल्ड्रन वील डू द फॉलो अप फर्दर इन द लाइव क्लासेस ऑल्सो। देन चिल्ड्रन हमारा तीसरा टर्म जो आता है सामने, दैट इज ट्रांजैक्शन। अब सर ये क्या चीज है? वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड चिल्ड्रन, यू मस्ट हैव हर्ड सेइंग योर इंग्लिश टीचर्स और एनी अदर टीचर, बच्चों कल हम एक एक्टिविटी करेंगे, या बच्चों फिजिक्स में आपने एक वर्ड सुना होगा वर्क डन। तो बच्चों फिजिक्स में वर्क डन बोले या इंग्लिश लैंग्वेज जैसे सब्जेक्ट में एक्टिविटी बोले, इट इज एज सेम एज ट्रांजैक्शन इन द बिजनेस। अब सर ये ट्रांजैक्शन एक्चुअली क्या होता है? चिल्ड्रन ऑल द बिजनेस एक्टिविटीज, आई रिपीट, बिजनेस में आप कोई भी एक्टिविटी करो बच्चे आप उसे ट्रांजैक्शन का नाम दोगे। जैसे बिजनेसमैन ने अपने बिजनेस में कॉन्ट्रीब्यूशन किया मनी का, तो कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी बाय द बिजनेसमैन इज अ ट्रांजैक्शन, जिसमें आप बिजनेसमैन को कैपिटल के नाम से रिप्रेजेंट करोगे। देन आपने आर्टिकल्स बाय किए, कस्टमर्स को आर्टिकल सेल किए, सन की फीस दी अपने बिजनेस से, रिलेटिव्स को गिफ्ट दिए, ऑफिस का रेंट दिया, बिजनेस से पैसा निकाला पर्सनल यूज के लिए। चिल्ड्रन प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड, बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालना आपको ड्रॉइंग्स के नाम से एड्रेस किया जाएगा एंड दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड एज ट्रांजैक्शन। तो चिल्ड्रन डोंट गेट कंफ्यूज्ड बिटवीन द वर्ड कैपिटल, ड्रॉइंग्स एंड ट्रांजैक्शन। कैपिटल और ड्रॉइंग्स रिप्रेजेंट करते हैं बिजनेसमैन जब बिजनेस को कुछ देता है या बिजनेस से कुछ लेता है, और जब वो ये एक्टिविटी कर रहा है तो आप इसे ट्रांजैक्शन बोलते हो। लाइक यू वेंट टू अ मॉल एंड बॉट सर्टन आर्टिकल्स, तो बच्चे आपने एक ट्रांजैक्शन किया, वेयर यू विल बी कॉल्ड एज द कस्टमर एंड द पर्सन सेलिंग टू यू इज अ शॉपकीपर। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस आर कॉल्ड एज ट्रांजैक्शंस। बिजनेसमैन ने अगर वो एक्टिविटी की बच्चों, जब उसने कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन किया तो कैपिटल और कुछ निकाला तो ड्रॉइंग्स, होते दोनों ट्रांजैक्शंस हैं। देन चिल्ड्रन आई हैव मार्क्ड दिस फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आपने एम्प्लॉय को सैलरी पे की, तो ये भी बच्चों एक तरह का ट्रांजैक्शन है। चिल्ड्रन इन आर नेक्स्ट वीडियो वील बी टेकिंग अप द वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो बच्चों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अगले वीडियो में हम टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू चिल्ड्रन।